तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए राजस्थान के उदयपुर समाचार की बात कर लेते हैं। उदयपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद पर 22 वर्षीय युवती ने छेड़छाड़ करने और गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। शनिवार रात युवती अपने दो दोस्तों के साथ प्रताप नगर चौराहे पर खड़ी थी। इसी दौरान पार्षद संजय भक्तानी 43 वर्षीय मौके पर पहुंचे, युवती के साथ चलने के लिए कहने लगे। युवती ने मना किया तो शराब के नशे में दोस्त पार्षद ने उसे जबरन खींचकर कार में बिठाने की कोशिश की। इसके बाद युवती के साथ आए मौजूद अन्य युवकों ने खींचकर कार से बाहर निकाल लिया। इसके बाद युवती भागकर थाने पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में बताया। इसके कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पार्षद चौराहे पर खड़े थे। इसके बाद पुलिस से बहस और धक्का मुक्की करने पर उन्होंने शांति भंग के तौर पर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान DSP सिप्रा राजवत ने बताया कि युवती प्रताप नगर इलाके में किराए के मकान पर रहती है और कॉलेज स्टूडेंट है। करीब 12 बजे के आसपास चाय पीने के लिए चौराहे पर पहुंची थी। इसी दौरान पार्षद ने उसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही जबरन अपने साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद युवती तुरंत ही बाइक के दौरान अपने मित्र के साथ थाने पहुंच गई और मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद शांति भंग के तौर पर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट पर अपनी राय जरूर दें।